इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोग प्राप्त हो सके। किसान भाइयों को आज मैं बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ। पुराने अलाइनमेंट को लेकर आज किसान भाइयों के अंदर खुशी की लहर बह जाएगी। दोस्तों, कारण है कि गंगा एक्सप्रेस वे पुराने ही अलाइनमेंट NH-58 काशी से ही प्रारंभ किया जाएगा। दोस्तों, भाजपा सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द निर्माण कराने की जो योजना तैयार की गई है, अब इस पे कुछ ही समय बाकी है, जो किसान भाइयों की जो भूमि अधिग्रहण है वो शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ। बुलंद शहर के सांसद है डॉक्टर भोला सिंह, जिन्होंने कल रात 11 बजे अपने ट्वीट अकाउंट पर यह डाला है कि गंगा एक्सप्रेसवे NH-58 से शुरू किया जाएगा और इस गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण जो है बहुत ही जल्दी ही शुरू होने वाला है और जो DPR है वो सरकार के अंडर आ चुकी है और DPR जैसे ही उत्तर प्रदेश के हमारे CM योगी आदित्यनाथ जी आदेश जारी करेंगे और DPR अपलोड होते ही गंगा एक्सप्रेसवे पर जो कार्य है वो प्रारंभ कर दिया जाएगा। और मेरठ के DM ने जो ADM को भी नियुक्त कर लिया गया है और जो कार्रवाई है, डॉक्यूमेंट की जो कार्रवाई चल रही है, जो किसानों की जो भूमि की जो कागजी कार्रवाई है वो भी प्रारंभ कर दी गई है। अब बस DPR का अपलोड होने की देरी है, अपलोड होते ही योगी जी के आदेश होते ही तुरंत भूमि अधिग्रहण शुरू कर दी जाएगी। अब यहाँ से गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे। अब हम बात करते हैं मेरठ के गाजियाबाद, मेरठ सेक्शन NH-58 से शुरू होकर बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज तक ये गंगा एक्सप्रेसवे तैयार किया जाएगा 2025 तक। दोस्तों, अब किसी को अब घबराने की आवश्यकता नहीं है और अब डिक्लेयर हो चुका है गंगा एक्सप्रेसवे काशी से ही प्रारंभ किया जाएगा और पुराने ही अलाइनमेंट पर तैयार किया जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया सभी दें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत